हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम आज जेपी पावर शेयर के बारे में, जो कि कल आपको मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, मार्केट ने अपने धीरे धीरे पिछले वाले प्राइस पे आपको मूव करते हुए रिकवरी करते हुए आपको मार्केट में आज देखने को मिल गया। लगभग आज भी आपको मार्केट में 700 से 800 पॉइंट के आसपास की आपको रिकवरी करते हुए देखने को मार्केट में आज मिली है। लेकिन एक सवाल आ रहा है यहाँ पर कि आज दोस्तों मार्केट रिकवर की है, लेकिन पावर सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है जो पावर सेक्टर के स्टॉक सब डाउन जा रहे हैं? देखो, मैं क्लियर बोल दूं आपको, जो भी आपको गिरावट देखने को मिल रही पावर सेक्टर में, ये बहुत जल्द आपको रिकवर करते हुए देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक आपको इसकी प्राइस 22 रुपीज़ का टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। और एक खास बात है, पावर सेक्टर का शेयर है ये, पावर सेक्टर के स्टॉक में आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगा, मैं आपको क्लियर बोल दूँ। अब रही बात टारगेट की, मैंने आपको बोल दिया टारगेट दोस्तों, टारगेट अगर एक मंथ की बात करेंगे हम अगले मंथ इसी मंथ के लास्ट तक की, तो आपको 22 का टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पावर सेक्टर का स्टॉक है। जब तक रिकवरी स्टार्ट नहीं होती इसमें, तब तक क्लियर नहीं बोल पाएंगे हमको कि गिरावट कब तक होगी इस शेयर में। अगर मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है आपका, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।